अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं कल बहुत बिजी था जॉब पे, इसलिए मैं ना इंस्टाग्राम पे किसी को विश कर सका, ना ही मैं किसी को कॉल करके और मैसेज करके विश कर सका। तो हियर यू गो, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। होप यू गाइस एंजॉय दिस न्यू ईयर एंड होप यू गाइस लर्न अ लॉट फ्रॉम लास्ट ईयर। अभी मैं असल में जॉब पे लेट हो रहा हूँ, तो बाकी की बात गाड़ी में करेंगे। बड़ा बिजी चल रहा हूँ, अभी भी लेट हो रहा हूँ जॉब के लिए, तो मैं आप लोग से बात ही नहीं कर पा रहा था, ना ही व्लॉग बना पा रहा था। तो मैंने कहा जो भी हो, लेट भी हो रहे हो, नया साल है, पहला दिन है, आज जो है ना व्लॉग कंप्लीट कर ले लेते हैं अपना। जॉब के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे 11 मिनट में जॉब पे होना है और रास्ता है 20 से 22 मिनट का। तो मतलब इतनी मसरूफियत है कि जो है ना दाढ़ी बनाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। पिछले 7 दिन से मैं जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नई नई जॉब लगी है और उसने मुझे अब तक कहा नहीं है कि कब तुम्हारी छुट्टी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो मुझे कहेगा कि जो है ना तुम्हारी छुट्टी है कल, तो उस दिन मैं जाके अपनी दाढ़ी वाड़ी सेट करूँगा और ज़रा इंसान लगूंगा। अभी तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ हुआ है। और आज का व्लॉग हमारा है नाइग्रा फॉल्स का, जो हम गए थे अगस्त में। मेरा फ़ोन पानी में डूब गया था बेचारा, फिर भी मैंने कुछ फुटेज अपने कजन्स के फ़ोन से बनाई थी और मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे पास कुछ फुटेज है जो मैं जिससे मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर सकता हूँ। तो वो व्लॉग मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा, तो देखें और इन्जॉय करें। ओके, न्यू जर्सी से नाइग्रा फॉल्स तक का रास्ता कोई 8 घंटे का है और हम लोग 10 लोग थे, तो हम लोगों ने 2 गाड़ियां ले जाने का फैसला करा। और रास्ता इतना लंबा हो तो अंताक्षरी तो बनता है। मुझको तूने कहा था तुझसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं कैसे। 2 ही घंटे बाद हम लोग पेंसिल्वेनिया में दाखिल हुए और पेंसिल्वेनिया के सीन्स कुछ ऐसे थे। और रास्ते के लिए कोई एंटरटेनमेंट भी साथ रख लो, ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन अच्छा होता है, जैसे हमारे साथ ये है। जी भाई, तो कनाडा जा रहे हैं, अभी हम रुके हैं स्क्रैंटन में बाथरूम ब्रेक के लिए। रुकना हमें था थोड़ा और आगे 30 माइल पे, बट अभी नेचर कॉल आ गई तो अभी रुकना पड़ा। इस रेस्ट एरिया के बाद रास्ता कोई बचा है 4 घंटे का, तो मैंने सोचा सो जाते हैं। और जब मेरी आँख खुली तो मंजर कुछ ऐसे थे। अभी हम दूसरे रेस्ट एरिया में रुके हैं। ये रेस्ट एरिया न्यूयॉर्क में है और हम फिश फिले खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हलाल हराम के सीन है। और 2 घंटे मजीद ड्राइविंग करने के बाद हम लोग कनाडा बॉर्डर पहुँच गए। क्या कर रहे हो तुम भी अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। सो आप लोग सब पूछ रहे थे कि कल मैं किधर गायब था, मेरा फ़ोन गिर गया था स्विमिंग पूल में। बहुत लंबी स्टोरी है कैसे गिरा, लेकिन आज मेरे पास फ़ोन है, मेरा अपना नहीं है लेकिन गुजारे लायक है। नाइग्रा फॉल के वेलकम सेंटर की तरफ और ये है स्काईलाइन टावर। यहाँ से हम लोग फायरवर्क्स देखेंगे आज रात में और हम आपको भी दिखाएंगे। तो साथ से पासिस लेने के बाद हम लोग नाइग्रा फॉल पे आए हैं और यहाँ के सीन्स कुछ ऐसे हैं।
आप लोग सब सोच रहे होंगे कि हम ये थैली क्यों पहने हुए हैं। थैली नहीं है, ये रेन कोट है। और हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं गाइस? हम लोग जर्नी बिहाइंड द फॉल्स। मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना थोड़ी देर में, इसको आना है भाई अंदर। हाँ भाई, आज शक्ल दिखा दे भाई, ये ले के अंदर। और ये इस ट्रिप का सबसे बेहतरीन सीन है, हम लोग फॉल के करीब जाएंगे, बहुत करीब। यूएसए साइड नायग्रा फॉल का सबसे अच्छा फन फैक्ट ये है कि आप वॉक कर सकते हैं फॉल्स के साथ। अगर आप देखें, ये भाई हमारे हाथ ला रहे हैं सामने लोगों को, लोग सामने वॉक कर रहे हैं वॉकवे पे। इन्होंने इतना अच्छा सेटअप करा हुआ है लोगों के आसानी के लिए, और इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म इतनी ज़्यादा है और लोग हमेशा होते हैं। और हम भी प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अमेरिकन साइड नायग्रा फॉल जाने की। और इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.